नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। टिकट वितरण के भविष्य का संकेत दे रही बीजेपी की दूसरी सूची। देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की दूसरी सूची भविष्य का भी संकेत दे रही है, यानी ऐसे उम्मीदवारों पर पार्टी कोई दांव नहीं लगाएगी जिसने दो कार्यकाल के बावजूद खुद के लिए नया वोट वर्ग तैयार नहीं किया। ऐसे उम्मीदवारों से भी परहेज ही रहेगा जिसके बयानों की सफाई पार्टी को देनी पड़ती है। 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में जब सिर्फ 30 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया था, तब ये कयास लगाने शुरू हो गए थे कि इस बार भाजपा बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों को नहीं बदलेगी। लेकिन 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 33 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर भाजपा ने साफ कर दिया है उसके लिए उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता सबसे अहम है। भाजपा लगभग 450 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अब तक 267 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उम्मीदवारों में सबसे बड़ा उलटफेर दिल्ली में देखने को मिला, जहां 7 में 6 उम्मीदवार बदल दिए गए और सिर्फ मनोज तिवारी अपनी उम्मीदवारी बचाने में सफल रहे। इसी तरह से हरियाणा में जिन 6 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उनमें 3 नए हैं। महाराष्ट्र में 20 उम्मीदवारों में से 14 को दोबारा टिकट मिला है, जबकि 5 का टिकट काटा गया है। प्रीतम मुंडे की जगह इस बार उनकी बहन पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बनाया गया है, जिस सांसद प्रताप सिम्हा के पास से रंगीन गैस छोड़ने वाले आरोपित लोकसभा के भीतर पहुंचे थे। मैसूर से उनका टिकट भी कट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के लाल किले से अपने भाषण से खुद को 140 करोड़ देशवासियों के परिवार के सदस्य के रूप में पेश करते रहे हैं, इसलिए कटा टिकट। भाजपा ने इस बार टिकट बंटवारे में अनावश्यक बयानबाजी करने वाले और दूसरे समुदाय के खिलाफ अनर्गल बातें बोलने वालों को टिकट देने से परहेज किया है। इनमें दिल्ली से प्रवेश वर्मा, रमेश बिधुड़ी और प्रज्ञा ठाकुर का नाम प्रमुख है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा के भीतर महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक बातें कही थीं, तो रमेश बिधुड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। प्रवेश वर्मा दिल्ली के दंगे के दौरान अपने बयानबाजी को लेकर विवादों में रहे थे। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन घोषणा सिर्फ 51 की हुई है। माना जा रहा है कि बची हुई सीटों पर बड़े बदलाव दिखेंगे, इसलिए इन पर खेला दांव। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सांसदों के विधानसभा का चुनाव लड़ने के कारण स्वाभाविक रूप से उनकी जगह नए चेहरों को उतारा गया, तो तेलंगाना में दूसरी पार्टी से आने वालों को ज्यादा तरजीह मिली। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।